खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से है, जहां वन संरक्षक कार्यालय के नवीन भवन का उद्घाटन वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहलवार ने किया। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहलवार ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छतरपुर में वन संरक्षक कार्यालय के नवीन भवन का उद्घाटन होने से निश्चित रूप से इसका लाभ लोगों को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय विधायक ललिता यादव ने भी इस भवन के उद्घाटन पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं दी। छतरपुर से मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। से नया भवन बना हुआ है और आज इसका उद्घाटन हुआ है। इस उद्घाटन के अवसर पर हमारे क्षेत्र की विधायक आदरणीय ललिता यादव जी भी उपस्थित हैं। हमारे भोपाल से भी हमारे वन विभाग के सभी हॉक साहब और यहाँ पे सभी हमारे CCF, DFO, रेंजर और लगभग 2-3 जिले के सभी अधिकारी यहाँ पर फॉरेस्ट विभाग के हैं। और निश्चित रूप से अच्छा भवन बना है, जरूरत भी थी इस भवन को लेकर, क्योंकि इस अपने छतरपुर में वन विभाग का जो ऑफिस था, जो भवन था, ये बहुत पुराना था, बहुत मतलब कंडीशन भी खराब थी। निश्चित रूप से ये नया जो भवन बना है, इससे जो और काम जो सुचारू रूप से चलना चाहिए वो अच्छे तरीके से। छतरपुर में नए भवन का लोकार्पण हमारे वन राज्य मंत्री आदरणीय दिलीप अहलवार जी ने किया है। यहाँ पर सभी वन विभाग के अधिकारी है। 82 लाख से बिल्डिंग बनी है और ये बिल्डिंग बहुत जर्जर हो चुकी थी। कई बार मेरा आना भी हुआ। पुराने समय से हम देखते थे, नाकेदार रहते थे, कभी एक रूम बना, कभी एक रूम बना, ऐसे करके बने थे। तो ऐसे हालातों में जो बिल्डिंग बनी है, बहुत ही अच्छी बिल्डिंग है और जो गेट दरवाजे हम देख रहे हैं, निश्चित ही लग रहा है कि हम वन विभाग की बिल्डिंग में आए हैं। और सोफा वगैरह, क्योंकि जो लकड़ी छतरपुर में है उसका एक अनूठा उदाहरण हमारे बुंदेलखंड का है। तो मैं सभी को बधाई देती हूँ, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी है छतरपुर के लिए, एक नई उपलब्धि है बड़ी। भवन की लागत लगभग 82 लाख रुपए है और हमारा जो वन संरक्षक कार्यालय होता है, ये एक महत्वपूर्ण धुरी होता है जो कि मुख्यालय को क्षेत्रीय वन मंडल अधिकारियों के साथ एक सेतु का काम करता है। तो जो भी हमारे मुख्यालय से निर्देश चलते हैं वो वन संरक्षक से होते हुए DFO के पास तक पहुंचते हैं और फिर DFO से जो भी सूचनाओं का ऊपर भेजने का कार्यक्रम होता है वो फिर CF के माध्यम से हमारे पास आते हैं। और CF एक मार्गदर्शक के रूप में वन मंडल अधिकारियों के लिए काम करते हैं और इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यालय होता है जिसका सुदृढ़ीकरण होना बहुत आवश्यक है। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही पुराना कार्यालय था तो उसको तोड़कर हमें इस नए भवन को निर्माण करने की आवश्यकता।